आज नवनिर्वाचित संसद ढुल्लुमतों के सम्मान में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। धनबाद लोकसभा से नवनिर्वाचित संसद ढुल्लु महतो के सम्मान में अभिनंदन का सह विजय संकल्प सभा का आयोजन टाउन हॉल धनबाद में भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर एवं धनबाद विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में धनबाद विधानसभा अंतर्गत सभी बूथों के ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्हें जोश दिलाने में कोई कसर ढुल्लु महतो जी ने नहीं छोड़ा, जिसमें अपने अपने बूथ में भाजपा को बेहतर बढ़त दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को सांसद ने अपने हाथों से सम्मानित भी किया, जिसमें सदर मंडल के सदस्यों के को सम्मानित न करने पर नाराज होकर नारेबाजी भी की, जिससे भाजपा के पदाधिकारी समझाते रहे कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामियों को दर्शाया। वहीं सांसद ने राज्य सरकार को धोखेबाज सरकार करार देते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वहीं इनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक घरों में एक एक सरकारी नौकरी और ग्रेजुएट छात्रों को 5,000 महीना और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 7,000 रुपये महीने देने का वादा भी किया था, जिसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। बदले में युवाओं पर लाठियां बरसाई गई। इस लाठी का बदला आगामी चुनाव में झारखंड की जनता जरूर लेगी। विजय संकल्प सभा में पशुपतिनाथ, पूर्व सांसद धनबाद विधायक राज सिन्हा, संजय झा समेत भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सारा 2024 की विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इसमें ढुल्लु महतो जी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो जिस ढंग से एक गरीब के बेटे को लोकसभा चुनाव में जीत करके सांसद बनाए, उसी ढंग से 6 विधानसभा में जीत करके अपना परचम बीजेपी लहराएगा और हेमंत सोरेन को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये कोरोना काल के दिन को जिस समय पहले काल में दहशत था, खौफ था, दूसरे काल में दूसरा काल में खौफ उतना नहीं था, लेकिन वह काल खौफनाक था और उस समय भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 24 घंटा में 12-12 घंटा 15-15 घंटा जनता के बीच में समय गुजारा। आप बताइए 15-15 घंटा कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं था जहां आपके साथ खुद मैं चल करके वहां नहीं गया हूं, चाहे वो सैनिटाइजेशन के रूप में हो, चाहे अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे दवा के रूप में हो, चाहे रात में किसी को वेंटिलेशन की जरूरत हो, चाहे अस्पताल पहुंचाने का काम हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहे, तत्पर रहे। लोकसभा क्षेत्र में जो भी कार्य बाकी है उस कार्य को ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो जन जन तक पहुंचकर आपने लोगों के बीच में आश्वासन आश्वस्त करके हमें वोट दिलाए, पार्टी को वोट दिलाए और पार्टी को सदस्य को जिताकर भेजे, उस विश्वास को मैं जरूर खरा उतरने का काम करेंगे और हर एक एक वादा जो आप लोगों ने जनता के बीच में करके आए हैं उसको भी पूरा करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। ये सच्चाई है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के द्वारा लगातार कई समस्या हम लोगों के बीच में आया है, उन एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेकर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी है तब से लगातार जनहित में सिर्फ जनहित में कार्य हुआ है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं एनडी गठबंधन के लोग किस तरह से जो आज 70 वर्षों के दरमियान लगभग 60 वर्षों तक लगातार लगभग 50 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने से राज देश में राज किया, देश में राज करने के बाद कोई काम किया कि नहीं किया ये तो आप लोगों के सामने है। 10 वर्षों के दरमियान मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्य इस देश ने किया है ये भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देश के लोग 140 करोड़ जनता ने देख रही है। उसी प्रकार मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं
विस्तार बहुत लंबे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में देंगे। मगर मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति आप जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से तीसरा चुनाव जीता है और तीसरा बार प्रधानमंत्री भी बनाए, आप लोग जिस प्रकार से देश के 140 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है, उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का विश्वास जो हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति बढ़ा है, इस विश्वास के प्रति मैं निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए आपके विश्वास पर भी हम खरा उतरने का हम काम करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जब किसी भी समय रात हो दिन हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा देश हित में कार्य करते आ रहे हैं और आने वाला समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जरूर लगे रहे हैं, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाता हूं इस चुनाव के दरमियान जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो लोगों का विश्वास आज भी दुगुनी बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में भी हम कैसे जन जन तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर इस राज्य में पुनः मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को कैसे बनाएंगे, तभी हमारा झारखंड का विकास हो सकता है। लोग तरह तरह का बात बोलेंगे मगर हम लोगों ने इसे 22 वर्षों के दरमियान इस राज्य की स्थिति को देखे और सभी लोगों ने देखा कि नीचे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम एक्टिव कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा तैयार रहने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग ज्यादा सामने से और करीबी से देखे कि इस राज्य में जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आई है तब तब इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने का मिशन बनाया है। मगर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जब बने थे तो झारखंड को विकास के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाए, झारखंड को विकसित कैसे बनाए, झारखंड के मान सम्मान में कैसे हम आगे बढ़ाए, इस दिशा में इनका काम शुरू ही हुआ था। तो आप लोगों ने देखे साजिश करके किस तरह से गलत मानसिकता रखकर झारखंड को बर्बाद करने वाले, मानसिकता रखने वाले लोगों ने झारखंड में उस समय सरकार गिराई थी। उसी प्रकार आज मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान इस देश में जो कार्य किया है, हमें लगता है विश्व में भारत का नाम बढ़ा है, तो आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। मगर मोदी जी के पहले भी यहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारे देश के लोग विदेश जाते थे, दूसरे देश जाते थे तो भारत के नाम तक लोग नहीं जानते थे, मगर आज भारत के नाम, मोदी जी के नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, उनका अहम भूमिका रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, बहुत तरह के चुनौती आपके सामने चुनाव के समय आएंगे, जात पात बाहरी भित्री बहुत तरह के बात, मगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम सिद्ध करती है। ये आप लोगों ने देखा कि एनडी गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी लोग, सारे देश को लूटने वाले लोग एक तरफ, मगर सत्य और धर्म के रास्ते पर प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, और आपने देखा कि 2000 लोकसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के जितने गलत मानसिकता देश के प्रति रखने वाले, मोदी जी के विकास के रथ को रोकने वाले लोग एक तरफ, उसके बाद भी नहीं सका फिर से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को देश के लोगों ने बनाया। इसलिए भाइयों बहनों, लोग क्या करता है नहीं करता उस पर नहीं जाना है, कार्यकर्ता जब चुनौती के रूप में किसी भी कार्य को ले लेता है तो उस कार्य को पूरा करने में कोई धरती पर रोक नहीं सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का ये महानता है। इसलिए मैं आप लोग इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि चुनाव में भी आप लोगों ने देखे कि आज धनबाद लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा, यहां से लेके कई प्रदेश से गुंडे लोग एक जगह खड़े हो गए, मगर जब धनबाद के गरीब लोग ने उसे चुनौती के रूप में लिया तो गुंडा गरीब का लड़ाई
गांव से लड़ाई रहा और चुनौती के रूप में गुंडा का मनोबल देखना शुरू हुआ। यह आपने देखे सारे गुंडे लोग, गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले, मर्डर करने वाले, झारखंड को लूटने वाले लोग एक तरफ, और धनबाद के लोकसभा देवकुल जनता गरीब एक तरफ, गरीब और गुंडे की लड़ाई था। और जब गुंडे के साथ चुनौती के रूप में गरीब लिया तो गरीबों ने अपना मान सम्मान को रखते हुए आए गरीब का बेटा ढूंढू मतों को चुनाव जिताकर धनबाद लोकसभा से भेजने का काम किया। इसलिए मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि यह लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई था। एक तरफ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, एक तरफ प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और निश्चित तौर पर इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत हुई, सदैव धर्म का जीत हुआ है, कभी भी अधर्म का अधर्म का जीत नहीं हुआ है। ये इतिहास है, चाहे सतयुग ले ले, कलयुग ले ले, प्रजायुग ले लिया, कोई भी युग में आप देख लीजिए कि हर युग में धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म टकराया है तो अधर्म का नाश हुआ है और धर्म का विजय हुआ है। ये आप लोगों ने देखे। इसलिए उपस्थित भाई बहनों, मैं आप लोग कितने ही करबद्ध प्रार्थना करेंगे, वैसे लोगों का मानसिकता इस देश में चलने वाला लोकतंत्र में है ही नहीं, क्योंकि गरीब लोग जाग चुका है, सारे लोग समझ चुके हैं, देश के परिस्थिति और स्थिति को समझ चुका है, लोगों ने देख चुका है। कोई भी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति 140 करोड़ जनता का विश्वास बढ़ा है, और जब 140 करोड़ जनता का विश्वास बढ़ा तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में 3.5 करोड़ जनता बाबूलाल मरांडी जी के प्रति निगाह लगाकर देख रही है कि कब बाबूलाल मरांडी जी आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है जब कार्यकर्ता ठान लेता है तो किसी भी चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर गुंडे माफिया का मनोबल चकनाचूर करता है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, वैसे लोगों के चक्कर में मत रहिए, बस अपना काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर चलते हुए, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलते हुए इस विधानसभा चुनाव में भी हमें चुनौती के रूप में लेना है। और मैं ये अपने प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 का 6 सीट चुनाव हर हाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव जीत के लेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की इतना अनुभव पड़ा है कि हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष के परिणाम है कि आज आपका भाई, आपका बेटा ढुंडू मतों यहाँ पे बोल रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी, एक तरफ धनबल के लोग, एक तरफ गरीब लोग, सारे शक्ति एक तरफ मगर गरीब की शक्ति एक तरफ, प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग एक तरफ, और आप लोगों ने चुनाव जीते। और मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि से 20 ये विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने आग्रह निवेदन पूर्वक गरीब तक जाएंगे, उनके पैरों में गिर कर जरूर बोलेंगे कि देश हित में वोट देना है, राजहित में वोट देना है और बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले को सर्वनाश होगा, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सर्वनाश होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कुछ ऐसे नए नए लोग जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर राजनीति करते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, 3.5 करोड़ जनता झारखंड प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है, और उस विश्वास के प्रति हम कार्यकर्ता खड़ा उतरते हुए बाबूलाल मरांडी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं सब पर नजर, धन्यवाद।